तो आज की जो मेरी पोएट्री है वो मैंने एक तरफा प्यार के ऊपर कह सकते हैं आप, या ऐसे रिलेशन के ऊपर जिसमें सिर्फ एक ही बंदे को एहसास होता है और दूसरे को कोई एहसास या कदर नहीं होती, तो उन्हीं लोगों के ऊपर लिखी है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो आज की जो मेरी पोयम है उसका शीर्षक है, तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे, फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी जिंदगी समझ बैठे। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे और फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी जिंदगी समझ बैठे। तेरी तो आदत थी शायद हर किसी पर मर मिटने की, तेरी तो आदत थी शायद हर किसी पर मर मिटने की, पर हम ही खुद को उन सब में खास समझ बैठे, क्योंकि तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। हाँ मानते हैं खुद कभी इजहार नहीं किया तुमने, हाँ मानते हैं कि खुद कभी इजहार नहीं किया तुमने, पर तेरे इनकार ना करने को भी हम इकरार समझ बैठे, तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। शुक्रिया। तूने तो सुनकर भी अनसुने कर दिए मेरे अल्फाज। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सामने वाला कहकर भी नहीं समझ पाता, और जो समझने वाला होता है वो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाता है। तो वही लाइन है मेरी कि तूने तो सुनकर भी अनसुने कर दिए मेरे अल्फाज, और हम थे कि तेरे अनसुने जज्बात भी समझ बैठे, तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। लो बना ही डाला मैंने खुद को भी एक सख्त पत्थर की तरह, लो बना ही डाला मैंने भी खुद को एक सख्त पत्थर की तरह, क्योंकि तुम जो मुझे रेत का अंबार थे समझ बैठे, तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे, फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी ज़िंदगी समझ बैठे। शुक्रिया शुक्रिया फ्रेंड्स। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पोएम पसंद आए। एंड जो मेरी लास्ट पोएम थी उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे